नमस्ते दोस्तों, पिछली बार मैंने ओढ़नी तक आपको बताया था। अब आपको आगे बॉडी कलर के बारे में बताते हैं। बॉडी कलर देखिए, ऑरेंज कलर हमने लिया है, थोड़ा लिया है, उसमें क्रोम येलो ज़्यादा मिलाया है, थोड़ा क्रोम येलो। देखिए, आप इसे पीला पड़ता हुआ ऑरेंज भी बोल सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। उसके बाद हमको इसमें वाइट रंग मिलाना है। अच्छे से लाइट कर लेना है इसको। और थोड़ा व्हाइट मिला लेना है। ये ठीक ढंग से मिक्स हो चुका है। ब्रश से हमें मिलाना है वैसे ही बार बार, और पानी थोड़ा गाढ़ा कलर है। पुराने कलाकार पीले की जगह पेयोडी का यूज किया करते थे, ऑरेंज की जगह सिंदूर का कलर, जो सिंदूर लगाते हैं वो रंग काम में लिया करते थे, वाइट की जगह खड़िया का काम लिया करते थे। जयपुर के पास बांस को खड़िया, सबसे अच्छी खड़िया आती थी, उसको वाइट को यूज किया करते थे। सीप को घोट कर भी बनाया करते थे वाइट कलर। ये देखिए, हमारा बॉडी कलर तैयार हो चुका है, और हम वैसे नज़दीक से ही वही लाइनिंग के नज़दीक से करते करते और आप इसको वाइट बॉडी कलर भरते हैं। हमारा लाइनिंग के बाहर जरा सा भी नहीं जाना है। देखिए कितनी सफाई से रंग भर रहे हैं। इस तरह से आपको बॉडी कलर भरते रहना है। ये देखो, अपना बॉडी कलर पूरा हो चुका है। जहाँ जहाँ यहाँ शरीर दिख रहा है, वहाँ वहाँ हमें इस बॉडी कलर को भरना है। देखिए, इसमें मिलाइए आप, जहाँ जहाँ था वो हमने फ्लैट बॉडी कलर भर दिया है।
अब आगे इसमें और रंग भरे जाएंगे, उसके बारे में अगली बार आपको बताएंगे। धन्यवाद।